मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है कि तेजस्वी यादव 20 अप्रैल को झारखंड के कोडरमा में आएंगे, जहां वो संगठन को लेकर बातें करेंगे और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। वहीं राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि आदिवासियों और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाकर उसे संगठन को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही राजद अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए सभी जिलों, प्रमंडलों और विधानसभा वार प्रभारियों की नियुक्ति करेगा। अपनी बारी को यह विराम देता हूँ। आप सभी पदाधिकारियों को आज मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय नेता और हमारे प्रभारी, क्योंकि मैं इनको भी झारखंड की धरती पर स्वागत करता हूँ कि जब जब हम लोग दुर्भाव से ही इनको बुलाने का काम करते हैं, ये तुरंत समय देते हैं और आते हैं। मैं अपने प्रभारी को आदरणीय शिक्षा बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। सम्मानित प्रेस प्रतिनिधिगण से अनुरोध है, हम जानते हैं और ये सामने वाले पंक्ति को थोड़ा सा खाली कर दीजिए 10 मिनट के लिए। क्योंकि ये लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का जब निर्माण किया था, समाज के सभी वर्गों को उत्थान और विकास के लिए संविधान का ये प्रगति का रास्ता और एक मार्ग दिखाया गया, जिसमें आज भारत उस देश के रास्ते पर चल रहा है। आज संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, जो इस मीटिंग में आए हैं, जो नहीं आए हैं, मैं आप सब लोगों से, पत्रकार साथियों से आग्रह और गुजारिश करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल हमारे जो पुरखा, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपने संगठन को राष्ट्रीय जनता दल बूथ स्तर से लेकर के और जिला और प्रदेश के कमेटी तक हम लोग मजबूती के साथ संगठन को बना करके आगे लड़ने का काम करेंगे। और 14 तारीख को जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है, उस जन सदस्यता अभियान का और महंगाई और केंद्र सरकार के महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ईडी और सीबीआई के खिलाफ में जन आंदोलन और सदस्यता अभियान चलाने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों हमारे अभी नई राजकारणी के गठन और जिला अध्यक्षों के गठन जो हुआ है, उसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी ने अभी करने का काम किए हैं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।